सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लातेहार जिला पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ ने नक्सली संगठन टीपीसी नक्सलियों से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए लातेहार पुलिस ने गिरफ्त में आए टीपीसी के उग्रवादी की निशानदेही पर हजारों राउंड जिंदा कारतूस के साथ साथ अर्धनिर्मित बंदूक, वॉकी टॉकी सेट समेत अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि टीपीसी ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने को लेकर बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखे थे। पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगा है। इस मामले में लातेहार एसपी अंजनी अंजन एक प्रेस वार्ता कर बताया कि टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर आदेश गंजू को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर विभिन्न तरह के 8,000 गोली, 30 एची बम, एक देसी बंदूक, 8 वॉकी टॉकी समेत काफी मात्रा में अन्य सामान बरामद हुआ है। खान की हत्या की गई थी, उसके बाद हम लोगों ने एक अपनी एसआईटी की टीम बनाई थी। उस एसआईटी की टीम का नेतृत्व कर रहे थे अजीत कुमार, एसडीपीओ बालूमाथ, इनके साथ में थाना प्रभारी हेरहंज और थाना प्रभारी बालूमाथ, इनके साथ में और कई पदाधिकारी थे। तो जब हम लोगों ने इसकी जांच शुरू की, इस हत्या की, तो इसमें टीपीसी का लिंक जुड़ने लगा। शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेशन में एटीएस झारखंड के द्वारा भी हमें मदद प्रोवाइड किया गया और उस समय हम लोगों ने इसके मुख्य साजिशकर्ता प्रताप गंजू को गिरफ्तार किया। बीच बीच में हम लोगों ने और भी 3 गिरफ्तारियाँ की, जिसकी सूचना मीडिया को दी जा चुकी है पहले भी। इसके पूर्व में भी हमने अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के माध्यम से भारी मात्रा में हथियार, गोली वगैरह बरामद किया था। इसकी सूचना भी हम लोगों ने मीडिया को दी थी। हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी और जो हमें सूचना प्राप्त हो रही थी उसके आधार पर हम लोग लगातार अपना इंट भी बिल्ड कर रहे थे। इसी दौरान हम लोगों को सूचना मिला कि बालूमाथ में सीरम के पास में टीपीसी के कुछ सक्रिय जो उग्रवादी हैं वो इकट्ठा हुए हैं और रेलवे साइडिंग बालूमाथ के, चतरा जिला के, खलारी के, इनको लगातार टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास भारी मात्रा में हथियार हो सकती है, ऐसी भी सूचना मिली थी। हमारी एसआईटी की टीम ने बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई किया और आदेश गंजू की गिरफ्तारी की। आदेश गंजू के बारे में मैं अलग से बताना चाहता हूँ कि ये टीपीसी का एक काफ़ी सक्रिय उग्रवादी रहा है, जो न केवल लातेहार जिला में बल्कि चतरा में, रांची में, विशेष रूप से खलारी क्षेत्र में ये सक्रिय रहा है और वहाँ काम करने वाले व्यवसायियों को, रेलवे में काम करने वाले, साइडिंग चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को, इन लोगों को टारगेट करता रहा है। आदेश गंजू की गिरफ्तारी के बाद हम लोगों ने छापेमारी किया, जहाँ से हम लोगों को ये जो आपके सामने है करीब 7,322 राउंड लाइव गोली बरामद हुआ है। हथियार भी बरामद हुए हैं, जो पिस्टल आपके सामने रखा है। इसके अलावा 8 वॉकी टॉकी मिले हैं, अन्य आर्टिकल्स भी मिले हैं। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस बार हमें ये 40 mm एची ग्रेनेड मिला है, जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो एची ग्रेनेड है, ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूंकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों के खिलाफ या सुरक्षा बलों के या किसी भी अन्य टारगेट व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। अगर ऐसा इसका प्रयोग करते तो भारी क्षति पहुँचाई जा सकती थी। तो अब इतना अत्याधुनिक हथियार उग्रवादियों के पास कहाँ से आ गया और वो इसका क्या प्रयोग करने वाले थे।